नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत भारद्वाज और आप देख रहे हैं इजी नौकरी चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट वन। चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? नवंबर 12, सितंबर 14, जनवरी 2014 या सितंबर 2016? फ्रेंड 5 सेकंड तक आप अपने मन में आंसर सोच लीजिए और आप 25 क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं, उसमें एनालाइज कीजिए आपने कितने मार्क्स अर्जित किए। चलिए इसका आंसर मैं बता दिया जा रहा हूँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है सितंबर 2014। फ्रेंड्स ये जो कार्यक्रम था ये 25 सितंबर, मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और फ्रेंड्स ये 25 तारीख को स्टार्ट हुआ था। और फ्रेंड इससे ये और ट्रिक बनती है, ये 25 क्षेत्रों में या 25 सेक्टर में फोकस कर दिया है, ठीक है। मेक इन इंडिया 25 सेक्टर, याद रखिए ये भी क्वेश्चन आ जाता है कितने क्षेत्रों में है, ये 25 क्षेत्रों में मेक इन इंडिया कार्यक्रम काम करता है, ठीक है। और फ्रेंड किसके अंदर आती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखिए फाइनेंस में आती है ये, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयोग कौन थी? तो आपके 4 ऑप्शन है, आर एम निकम, एस के वेदी, वी एस रमादेवी या जी डी दास। कौन हो सकता है फ्रेंड इसका? 4 सेकंड तक मैं आंसर नहीं बताऊंगा, चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वी एस रमादेवी, ठीक है। वी एस रमादेवी भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था ये 1990 में बनी थी, ठीक है। और कम से कम 15 दिन के लिए ये बनाई गई थी, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त 15 दिन के लिए ही थी, नवंबर से दिसंबर, 25 नवंबर से 10 दिसंबर के बिटवीन इनका कार्यकाल था। और फ्रेंड बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है, तो वो 6 वर्ष होती है या 65 वर्ष की आयु होती है, ठीक है। जो भी इनमें पहले हो तो उसके बाद रिटायर हो जाता है, ठीक है। और भारत के अभी नवीनतम कौन है 23 में? तो इसका जो सही आंसर है सुनील अरोड़ा, यानी कि भारत के अभी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, चीफ कमिश्नर हैं, तो वो हैं सुनील अरोड़ा, जो कि 23 में है, याद रखिएगा 23 में। और फ्रेंड्स कौन अपॉइंट करता है इन्हें? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कौन सा प्रदूषण नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? विच प्रेजेंटेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉकनी सिंड्रोम? फ्लोराइड, पारा, आर्सेनिक या कैंडियम? तो कौन हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। मैं बता दूं नॉकनी सिंड्रोम क्या होता है। फ्रेंड आपने 3-4 साल के बच्चे देखे होंगे जिनके पैरों, जिनके ये दोनों पैर होते हैं ना, वो आपस में नहीं मिलते, जो घुटनू होते हैं ना, जोड़ होते हैं ना घुटनू के, ये दोनों आपस में नहीं मिल रहे, ये नॉकनी सिंड्रोम के होता है। फ्रेंड इनके घुटनू आपस में नहीं मिलते, तो ये पैर में गड़बड़ी, जैसे विटामिन डी से हो जाते हैं पैर ऊबड़ से हो जाते हैं, तो ये नॉकनी सिंड्रोम होता है। जनरली इसका जो आंसर है वो फ्लोराइड की वजह से होता है। फ्रेंड जैसे जल में फ्लोराइड की जो सेवन करते हैं जल में, तो उनके बच्चों को ज़्यादातर फ्लोराइड की दिक्कत हो जाती है, यानी नॉकनी सिंड्रोम हो जाता है। तो ये फ्लोराइड जो प्रदूषण होता है उससे प्रभावित होता है नॉकनी सिंड्रोम, ठीक है। इसका जो सही आंसर था ए था। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। फोर्थ जो क्वेश्चन है, मनुष्य की मुखगह्वर में से निम्न में से किसका पाचन प्राय होता है? जो मुखगह्वर है ओरल केविटी, ठीक है, कौन सा पाचन होता है? प्रोटीन का होता है, वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, इनमें से किसी का नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर है मैं बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो मुखगह्वर में ही होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। इसका जो पाचन होता है मुंह में ही हो जाता है, ठीक है, और ये ग्लूकोज में टूट जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो ये होता है फ्रेंड अमाशय में, प्रोटीन का पाचन हमेशा अमाशय में होता है। वसा का पाचन कहाँ होता है, तो वसा का पाचन होता है छोटी आंत में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं फ्रेंड, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? ये बुक काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसका जो सही आंसर है आपने सोच ही लिया होगा देख के ही, तो अगर नहीं सोचा फिर भी वीडियो पॉज करके आप आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है, बाद में तो आंसर मैं बता ही देता हूँ। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। फ्रेंड 1875
मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, याद रखिए ये पूछी जाती है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। फ्रंट कहाँ हुई? ये बम्बई में हुई, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में राज्य भी आ जाता है कभी कभी, तो महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, इस पुस्तक के जो लेखक थे सत्यार्थ प्रकाश, जो कि दयानंद सरस्वती ने लिखी थी, ये भी 1875 में ही लिखी गई थी जिस समय आर्य समाज की स्थापना हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स छठा, तो निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं? तो सटोली कोशिकाएं होती हैं, लैंडिंग होती हैं, जर्मिनल कोशिकाएं होती है, म्यूकस या श्लेष्म कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है लैंडिंग कोशिकाएं, जो कि एड्रोजन हार्मोन को मनुष्य में स्रावित करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है फ्रेंड, मानव शरीर में किस तत्व का जो प्रतिशत है सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का होता है, कार्बन का होता है, ऑक्सीजन का होता है, निम्न में से किसका होता है सबसे ज़्यादा? जो तत्व है, जो एलिमेंट है, उसका परसेंटेज में कौन सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑक्सीजन। फ्रेंड ऑक्सीजन हमारे शरीर में करीब 65% होती है। ठीक है, और फ्रेंड उसके बाद आता है जो कार्बन, कार्बन होती है 18%। इसमें कम से कम लोग स्टूडेंट जो हैं बहुत गलती करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर कार्बन लगा कहते हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब होता है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 65%, जो कार्बन है एलिमेंट वो मानव शरीर में दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? डिप्रेसिव या अवसादकारी, स्टिमुलेंट या उत्तेजक, इंटरप्रेटिव या विभिन्तकारी, या इनमें से कोई नहीं, तो किसके अंदर आता है? चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है फ्रेंड डिप्रेसिव या अवसादकारी के अंदर, ये ओपीएम या अफीम की जो दवा है इस श्रेणी के अंतर्गत आती है अवसादकारी में। बहुत से लोग उत्तेजक लगा के आते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत होता है उत्तेजक। इसका जो सही आंसर है वो है डिप्रेसिव, अवसादकारी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? केवल आउटपुट पूछ रहा है फ्रेंड्स। अगर हम क्वेश्चन देखें, पहला ऑप्शन में बात करें तो स्कैनर, तो स्कैनर फ्रेंड इनपुट है, आउटपुट नहीं हो सकता, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, कीबोर्ड, कीबोर्ड इनपुट है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। माउस, माउस भी इनपुट है, तो ये भी गलत है। फ्रेंड प्लॉटर आपने सुना होगा, प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर होता है, जो बड़ी डिजाइनों डिजाइन निकालने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। दूसरा प्रिंटर आप घर में भी यूज करते हैं और एडमिट कार्ड भी निकालते हैं, तो वो होता है प्रिंटर, जो कि आउटपुट डिवाइस है, उसे हमें आउटपुट प्राप्त होता है सीपीओ से। मॉनिटर, मॉनिटर फ्रेंड डिजिटल भी हो सकता है, यानी कि इनपुट भी हो सकता है, आउटपुट भी हो सकता है। हम टच भी करते हैं तो वो इनपुट भी लेता है, आपको डिस्प्ले दिखाता भी है, तो वो आउटपुट भी होता है। तो मॉनिटर, इनपुट, आउटपुट दोनों ही डिवाइस है, तो इसका मॉनिटर भी सही है। तो जो आंसर हो गया वो डी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दसवां क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट अफेयर का सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ ले जाते हैं ओलंपिक गेम्स। तो फ्रेंड 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? एम्स्टर्डम, टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजलिस, तो कहाँ होगा? आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, इसका जो सही आंसर है वो है लॉस एंजलिस। 2028 के जो समर ओलंपिक होंगे वो है लॉस एंजलिस में होंगे, याद रखे, यूएसए में होंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 2022 में जो बर्गिंगम, जो खेल बर्गिंगम में आयोजित होंगे, कौन से कॉमनवेल्थ गेम, याद रखिएगा 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम है वो बर्गिंगम में आयोजित होंगे। कहाँ? बर्गिंगम। ठीक है, याद रखिएगा, यही पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया कई बार। चलिए अगला देख लेते हैं, 11वां क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? चार ऑप्शन आपके सामने है, तो कौन है फ्रेंड्स? चंदन है, विस्कम है, अमरबेल है, या फिर रेप्लिशिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होना चाहिए फ्रेंड्स? आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा ये कई बार एग्जाम में, तो इसका जो सही आंसर है वो है अमरबेल। ये पूर्ण स्तंभ परजीवी होता है अमरबेल, ठीक है, याद रखिएगा। और मैं बात करूं फ्रेंड, जैसे आपका चंदन बता दूं, चंदन कौन सा होता है? चंदन होता है फ्रेंड आंशिक मूल परजीवी, ये भी याद रखें, ये नोट्स में लिख लीजिए या अपने माइंड में सेट कर लीजिए, चंदन होता है आंशिक मूल परजीवी, पूर्ण नहीं होता। ठीक है,
आंशिक मूल परजीवी होता है फ्रेंड्स, और जैसे आपका विस्कम है, विस्कम ये दूसरा जो ऑप्शन है, ये आपका ये भी आंशिक स्तंभ परजीवी होता है, ठीक है, आंशिक स्तंभ परजीवी होता है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर था अमरबेल, 11 का तीसरा, ठीक है। अगला देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन, तो फ्रेंड 12वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है, तो विटामिन ऑप्शन दे देता हूँ, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी, तो कौन सा जो विटामिन है एक हार्मोन की तरह काम करता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने रखा अपने टेस्ट में। तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन डी। विटामिन डी एक तरह से हार्मोन की तरह कार्य करता है, सूर्य से ज़्यादातर हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है फ्रेंड आपके सामने, तो निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे इसमें नहीं है, तो चार ऑप्शन दे देता हूँ मैं, अल्ट्रासाउंड, अवरक, एक्सरे या फिर सूक्ष्म तरंग, तो कौन सी नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स नहीं है फ्रेंड, कुछ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, वो इस प्रकार हैं फ्रेंड्स, आपके देखिए सूक्ष्म तरंगें होती हैं, अवरक्त तरंगें होती हैं, एक्स किरणें होती हैं, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें हैं। इसके अलावा आपकी रेडियो वेव्स भी होती हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं फ्रेंड, गामा रेज ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आती हैं फ्रेंड्स, और एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ठीक है। इसमें केवल अल्ट्रासाउंड है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टिका क्वेश्चन फ्रेंड, आरामबाग इनमें से किस मुगल बादशाह ने बनवाया, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में एग्जाम में आता रहता है, तो आरामबाग अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने या हुमायूं ने, इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा। आरामबाग जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहलाता है, आरामबाग उसने बनवाया, तो इसका जो सही आंसर है वो है बाबर, ठीक है। बाबर का जो कार्यकाल था भारत में 1526 से 1530 तक था, ठीक है, और इसने ही आरामबाग अधोलिखित बादशाह ने बनवाया था सर्वप्रथम, तो बाबर ने ये प्रक्रिया चालू करी थी, आरामबाग जो बाग था एक तरफ उसे बनवाने की प्रक्रिया चालू की थी बाबर ने, याद रखिए बाग से बाबर आप लगा सकते हैं, तो इसका 14 का सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो फ्रेंड इनमें से सबसे सस्ता साधन कौन सा है, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, कौन सा है फ्रेंड, ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और रेल परिवहन कर जाते हैं सस्ते के मारे, ठीक है, तो जो कि बिल्कुल ही गलत है, तो इसका जो सही आंसर है वो है जल परिवहन। जल परिवहन काफ़ी सस्ता होता है और टिकाऊ भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 16वां क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, सोएज नहर किसको कनेक्ट करती है या किसको जोड़ती है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर या अटलांटिक सागर, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सोएज नहर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी या कार्यमंत्रता समिति, एस्टिमेट या प्राकलन समिति, पब्लिक एंटरप्राइज कमेटी या सार्वजनिक उपक्रम समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति, तो कौन सी सबसे बड़ी है फ्रेंड्स, चलिए मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है प्राकलन समिति या एस्टिमेट समिति भारत की सबसे बड़ी समिति होती है, और फ्रेंड इसमें जो सदस्य होते हैं केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो कि कितने होते हैं 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। और फ्रेंड बात करूँ लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। बात करूँ फ्रेंड पब्लिक एंटरप्राइजेस कमेटी, इसमें भी फ्रेंड्स 22 ही सदस्य होते हैं, सिंपली 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और यही पूछा जाता है सबसे पुरानी समिति कौन सी है, तो फ्रेंड आप लगाएंगे लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 18वां क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो फ्रेंड कौन सा राज्य 2020 में हर महीने के पहले दिन नो व्हीकल डे का पालन करने वाला है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, केरला,
गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तो कौन करने वाला है फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान, जो कि हर महीने के पहले दिन नो व्हीकल डे का पालन करने वाला है राजस्थान। राजस्थान की जानकारी मैं दे दूं, ये भारत का क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा, नंबर वन राज्य एरिया के हिसाब से राजस्थान। और करंटली यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज सिंह, यहाँ के कौन है फ्रेंड्स? गवर्नर हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आपको पता ही होगा, अशोक गहलोत जी हैं, ठीक है, अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी एग्जाम पूछा जाता है, किस राष्ट्र ने हाल ही में रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पलाऊ या नाउरू? तो किसने लगाया इनमें से? तो इसने लगाया है पलाऊ ने, ठीक है। ये जनवरी की करंट अफेयर है फ्रेंड, क्योंकि 2020 नई करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे हम, जीएस प्लस साइंस प्लस करंट अफेयर, तीनों का सार है इस टेस्ट में, ठीक है, पलाऊ इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो फ्रेंड क्वेश्चन 20 एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, वित्त वर्ष 2019-20 में जो पहली छमाही थी उसकी, उसके दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या FDI कहते हैं का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? UAE, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, USA? तो इन चारों देश में से कौन सा था सबसे बड़ा निवेश, किसने किया था पहली छमाही में भारत में? तो इसका जो सही आंसर है वो है सिंगापुर, नंबर वन पर रहा था सिंगापुर, कभी कभी मॉरीशस आया था लेकिन अभी चल रहा है सिंगापुर, तो इसका जो सही आंसर है वह सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 21वां फ्रेंड, प्रधानमंत्री द्वारा अच्छे कृषि उत्पादन के लिए जो राज्यों को दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या? अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कृषि उत्पादन में जो इक्विपमेंट जो देते हैं, जो राज्य निकालेंगे उनके लिए एक पुरस्कार लॉन्च किया है, तो क्या नाम है उस पुरस्कार का? कृषि सम्मान, कृषि समृद्धि, कृषि कारमान, कृषि कीर्ति? तो क्या नाम है उस अवार्ड का जो प्रत्येक हर राज्य को दिया जाएगा अगर वो उत्पादन अच्छा करेगा, कृषि जो जो इक्विपमेंट होते हैं उनका उत्पादन अच्छे तरीके से करेगा तो उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा, तो क्या नाम है उस अवार्ड का जो मोदी जी देंगे? तो उसका अवार्ड का नाम है कृषि कारमान अवार्ड, याद रखिए, कृषि सम्मान लगाते हैं वो बिल्कुल ही गलत है, कृषि कारमान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 22वां, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम पूछा जाता है, 106 का पूछा गया था, इस बार 107वां संस्करण हुआ है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का, जो कि कहाँ हुआ ये पूछा गया है, न्यू दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में, बेंगलुरु में, कहाँ होगा फ्रेंड, या कहाँ हुआ इसका जो मेजबान था? तो इसका जो सही आंसर है बेंगलुरु में आयोजित हुई थी भारतीय विज्ञान कांग्रेस, जो 107वां संकरण था, जो कि कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 23वां, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस राज्य ने हाल ही में 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में घोषित किया और AI अनुसंधान के लिए तकनीक फर्मों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है तेलंगाना ने किए हैं, याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहीं आ जाए आपको तो आप हमेशा तेलंगाना ही लगाइए, यही आपका सही आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 24वां, तो फ्रेंड नाम सुना होगा अखबारों में ही बहुत रहा था, कासिम सोलेमानी जो अभी हवाई हमले में मारे गए थे वह किस देश के सैन्य कमांडेंट थे? कासिम सोलेमानी किस देश के थे? तो वो थे फ्रेंड ईरान के, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ईरान के थे कासिम सोलेमानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 25वां क्वेश्चन है, DRDO में एयरनॉटिकल सिस्टम के महानिदेशक कौन है और उन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड आपने मिसाइल मैन तो सुना होगा लेकिन यहाँ क्वेश्चन है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के हिसाब से और GS के हिसाब से, तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर टेसी थॉमस। और फ्रेंड इन्हें अभी हाल ही में जो 107वीं संस्करण हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसमें इन्हें अवार्ड भी दिया गया था डॉक्टर टेसी थॉमस को, तो इसका सही आंसर 25 का एक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है फ्रेंड? अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी हो तो फ्रेंड लाइक कीजिए, अगर नहीं भी अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कीजिए, ऐसे ही सीरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आपको फ्रेंड चैनल को समर्थन करना है, सपोर्ट करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। चलिए
और फ्रेंड अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड अगली वीडियो के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।